नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में बच्चों को स्कूल में वापस लाने के उद्देश्य से राज्य प्रशासन ने घाटी में कक्षा 5 से 12वीं तक की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक 10वीं की परीक्षा 29 अक्टूबर से, 12वीं की 30 अक्टूबर से और 9वीं की परीक्षाएं 18 नवंबर से शुरू होंगी। यह कदम तब उठाया गया है जब प्रशासन द्वारा स्कूलों को खोले जाने के बाद भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। बता दें, परीक्षा आयोजित करने का कदम 2016 के समान है जब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन के महीनों बाद तत्कालीन पीडीपी सरकार ने भी बंद के बीच परीक्षाओं की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम और केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC के कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला को मध्य प्रदेश में तबादला करें। हालांकि कोर्ट ने उनके तबादले के पीछे का कारण नहीं बताया है और जब अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने इसके पीछे कारण जानना चाहा तो CJI गोगोई ने कहा कि क्या कोई आदेश बिना कारण के दिया जाता है। कहा जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। हजेला पर असम पुलिस ने NRC लिस्ट से गलत तरीके से लोगों को बाहर करने के भी 2 केस दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस SA बोबडे को अगला CJI बनाने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। प्रक्रिया के अनुसार वर्तमान चीफ जस्टिस ही अगले CJI की सिफारिश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने PNC बैंक घोटाले मामले में ग्राहकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और बैंक के ग्राहकों के लिए राहत मांग रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार इस विषय पर चिंतित है और जरूरी कदम उठा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ कि हमको दोषारोपण नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी खास समय में कब और क्या गलत हुआ उसे याद करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मनमोहन सिंह और पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन के समय बैंकों में हुई गड़बड़ियों को ही साफ करने में लगी हुई है। आर्थिक सुस्ती का एक और संकेत मिला है। एजेंसी नीलसन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल में पहली बार ग्रामीण विकास दर शहरी विकास दर से कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल में ग्रामीण बाजार में सबसे कम 5% वृद्धि हुई है। इसका सामना देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता उत्पाद कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी कर रही है और 7 साल में पहली बार कंपनी के विस्तार में ग्रामीण क्षेत्र में कमी आई है। पूर्व प्रधानमंत्री और JDS के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने कर्नाटक BJP सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि BS येदियुरप्पा BJP के शीर्ष नेताओं की मर्जी के बिना मुख्यमंत्री बने हैं और उनको नहीं लगता है कि राज्य और केंद्र का नेतृत्व साथ में है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस प्रकार की खिचड़ी सरकार चल रही है उसके बदले मोदी और शाह चुनाव कराना चाहते हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होने वाली रैली रद्द हो गई है, जिसके बाद राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा में होने वाली सोनिया गांधी की ये इकलौती रैली थी। यूपी पुलिस ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के दिल्ली स्थित घर से कई देशी विदेशी असलहे और हजारों कारतूस बरामद किए हैं। छापेमारी में लखनऊ पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल थी, जिसके बाद पुलिस गुरुवार को सारे असलहे लखनऊ ले आई है। 12 अक्टूबर को महानगर कोतवाली में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के मामले में धोखाधड़ी की FIR दर्ज करवाई गई थी। पेरिस में आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक है, जिसमें पाकिस्तान पर फैसला होगा। पाकिस्तान आतंकवाद को धन मुहैया कराने और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को रोकने में नाकामयाब रहा है, जिसके बाद उस पर ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि चीन, तुर्की और मलेशिया के पाकिस्तान को समर्थन के कारण वो ब्लैकलिस्ट होने से बच सकता है और ग्रे लिस्ट होने की संभावना ज्यादा है। अभिनेता अमिताभ बच्चन पिछले 3 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। रूटीन चेकअप के लिए उन्हें मंगलवार यानी 15 अक्टूबर सुबह 3 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमिताभ को अस्पताल में अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं। माना जा रहा है कि उन्हें रविवार को डिस्चार्ज किया जा सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार ने फ्लैट शुरुआत की। सेंसेक्स जहां 35.77 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 39,097.83 पर खुला, तो वहीं निफ्टी 11,580 पर कारोबार करता हुआ देखा गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।